हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत है देवीसा ज्योति ब्लॉग में। देखिए, ये पीछे वाले कमरा है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ आज वीडियो बनाना। तो देखिए, अभी सुबह का 7:30 हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। अभी बच्चे सो ही रहे हैं और मेरे पति देव जी ड्यूटी चले गए हैं, 7 बजे उनका ड्यूटी रहता है, वो चले गए हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देरी बाहर बैठ गई थी, बाहर का हवा बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह में, तो बाहर बैठी हुई थी। उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू पोछा होगा अब हमारा। और मैं उठ गई थी 6 बजे और हम अपने पतिदेव को ड्यूटी जाने के लिए उनको नाश्ता बना करके दे दी हूँ, नाश्ता करके चले गए हैं। तो कोई इंसान जाता है घर से तो तुरंत ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो इस वजह से मैं थोड़ी बैठ जाती हूँ और 10-15 मिनट के बाद ही झाड़ू पोछा शुरू करती हूँ। तो देखिए, मैं पीछे वाले कमरे से आज शुरू करी हूँ झाड़ू लगाना, उसके बाद मैं और भी लगाऊंगी और बाहर तक लगा करके। और पहले बाहर ये देखिए, क्यारी में पानी लगा हुआ है, पाइप डला हुआ है, तो मैं सभी को धो लूँगी, आगे पीछे सभी जगह धो लूँगी। और बाहर धोने जब लगती हूँ तो पूरा 1 घंटा मुझे लग जाता है धोने में। और मैं बाहर इसलिए पहले धो लेती हूँ क्योंकि फिर पानी चला जाता है तो फिर मुझे बाल्टी से उठा करके धोने पड़ता है, तो इस वजह से अभी पाइप लगा हुआ है तो मैं बाहर सबसे पहले सफाई कर लूँगी। पहले आज बाहर को बाहर पूरा सफाई कर लूँगी मैं। वैसे डेली ही जब बाहर आती हूँ झाड़ू पोछा झाड़ू लगाने के बाद, उसके बाद मैं बाहर पहले सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फिर पानी चला जाता है तो फिर मुझे बाल्टी से भर भर के धोने पड़ता है बाहर जो फर्श है सब जगह। और बाहर पूरा 1 घंटा मुझे लग जाता है, अगर जैसे बारिश वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। झाड़ू पोछा ही करते समय मुझे 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि 1 घंटा तो बाहर मान लीजिए और फिर आधा पौन घंटा अंदर भी लग जाता है किचन उचन सफाई करने में। वैसे तो मैं रात में ही किचन पूरा सफाई करके सो जाती हूँ, स्लेब वगैरह सभी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह में करना ही पड़ता है। इनको सुबह नाश्ता बनाने के बाद फिर थोड़ा किचन फैल जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा से सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर हमारा नाश्ता बनता है नहाने के बाद। तो देखिए, साइड में मेरी क्यारी है, इस तरीके से मेरा घर का बाहर का व्यू है। और क्यारी में अभी हल्दी बो दिए हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 दिन ही हुआ, इस बार लेट हो गया है हल्दी बोने में, तो हल्दी बो आ गया है तो उसी में पानी देखिए मैंने धो लिया है फर्श आगे पीछे, उसके बाद मैं पानी लगा दे रही हूँ हल्दी में, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, बारिश बहुत दिन से नहीं हुआ है। और देखिए, मेरा घर का पूरा काम निपट गया था और अभी मैं 12:30-1 हो गया है तो मैं घर में खाना भी बना ली हूँ फटाफट में, खाना उना बना करके। और देखिए, मैं हरिद्वार, आज गंगा दशहरा है तो उसी के उपलक्ष्य में मैं हरिद्वार गंगा में नहाने आई हूँ, तो आप सब भी गंगा माता के दर्शन कर लीजिए। और मैं देवी सार शुभम शुभम के पापा सभी चारों लोग अपनी स्कूटी से आ गए हैं, 2 स्कूटी पे 2-2 लोग बैठ करके आ गए हैं। और घर में खाना उना पूरा हमने बना लिया था, मैंने आज कढ़ी चावल और आलू बैंगन की सब्जी बनाई है, तो अभी खाना नहीं खाई थी, नाश्ता वगैरह तो हो गया है, तो मैंने कहा चलते हैं गंगा नहा लेते हैं, क्योंकि इन साल अभी गंगा नहीं नहाए हैं तो गर्मी भी बहुत हो रही है, तो गंगा में नहाने में बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में बहुत ठंडा पानी होता है। तो देखिए, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, गंगा दशहरा है और गायत्री जयंती दोनों ही आज है, तो बहुत ज़्यादा सुबह में तो बहुत ही भीड़ थी, तो इस वजह से ही ड्यूटी से जब आए हैं 12 बजे तो उसके बाद फिर मैं आई हूँ गंगा नहाने, और घर जाने के बाद फिर खाना खाएंगे, क्योंकि खाना वाना पूरा मैं बना करके आई हूँ। और एक बार घर पे भी मैं नहा चुकी थी, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाई, उसके बाद नाश्ता करी हूँ, उसके बाद मैं दोबारा में आई हूँ गंगा नहाने। और मैं कपड़ा लेकर के आई थी लेकिन यहाँ पे फिर बदलने का मन नहीं किया, तो मैं ऐसी मैं और देवीसा एक स्कूटी पे बैठ के गीले कपड़े में ही घर चली जाऊँगी। और यहाँ से आधा घंटा घर जाने में लगता है, ज़्यादा नहीं, तो जाते जाते ही हमारे कपड़े सूख जाते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और देखिए, सभी लोग नहा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है वैसे तो, इसलिए मैं ज़्यादा गड्ढा में नहीं जाती हूँ। देखिए, शुभम जहाँ पे खड़ा है तो रेलिंग आपको दिख रहा होगा, रेलिंग पूरा डूबा हुआ है,
थोड़ा सा दिख रहा है, और शुभम बोल रहा है मैं और आगे जाऊंगी, तो मैं उसे बहुत डांट रही थी कि नहीं और आगे नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पे डुबकी मार के नहाना है, क्योंकि गंगा में पता नहीं चलता कहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा होता है, कहाँ पे क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, और हम सबको तैरने भी नहीं आता, तो इस वजह से मैं उसको मना कर रही थी नहीं इससे ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए उसका पूरा कमर तक पानी आ रहा है, और मैं तो और कम पानी में नहाई हूँ, बैठ करके नहाई हूँ, क्योंकि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है नदी तालाब में, और ये तो गंगा है। तो देखिए इस तरीके से गंगा माता का दर्शन आप सब भी कर लीजिए, और देखिए यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं। तो सुबह में आते तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलता, तो इस वजह से मैं लेट ही आई। बाद में मन कर गया कि चलो आज नहा ही आते हैं, गंगा दशहरा है और गायत्री माता का जयंती है, तो चलिए नहा करके आते हैं, तो इस वजह से बाद में प्लान हुआ। तो हम सब नहाने आ गए हैं, और देखिए हम एक बार नहा करके बैठी हुई थी, और देखिए मेरा कपड़ा फिर सूख गया था, फिर दोबारा मैं नहाऊंगी, उसके बाद फिर मैं घर चली जाऊंगी। मैं सीढ़ियों पे आकर के बैठ गई थी, नीचे अभी सीढ़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा काई जमा हुआ था, फिसलन था, थोड़ा पानी भी आजकल पता नहीं क्यों गंदा सा आ रहा है, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई है बहुत दिन से, यहाँ मेरे ख्याल से 15-20 दिन होने जा रहा बारिश नहीं हुई है। 21-22 मई में यहाँ बारिश हुई थी, उसके बाद से बारिश नहीं हुई है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और ये हम जो आए हैं यहाँ पे, ये गोविंद घाट है, अगर आप हरिद्वार आए होंगे तो आपको पता होगा, बहुत सारे यहाँ घाट बने हुए हैं, हम हर की पौड़ी पे नहीं हैं, यहाँ गोविंद घाट पे हैं, और हमारे जस्ट सामने उस तरफ विश्वकर्मा घाट है, तो हम सब यहीं पे आ जाते हैं नहाने, क्योंकि हर की पौड़ी में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, दूर भी है हमारे घर से, वहाँ पे 1.25 घंटा लगता है जाने में, या यहाँ पे 1/2 घंटा लगता है, तो इस वजह से यहीं पे हम आ जाते हैं नहाने। और देखिए यहाँ पे नहा रहे सभी लोग, और भी आंटी लोग आ गई थी बाद में नहाने के लिए, मैं नहा करके बैठ गई हूँ सीढ़ियों पे, अब ये मेरे पतिदेव जी नहा करके आ गए हैं, सीढ़ियों पे बैठेंगे, तो फिर मैं दोबारा नहाने चली गई थी, और ये वीडियो बना रहे थे। देखिए बस हो गया, अब हम सब निकल करके अब घर जाएंगे। देखिए शुभम कैसे डुबकी लगा रहा है, और धारा बहुत ज़्यादा होता है गंगा जी में ना, बहुत ज़्यादा बहा करके वो ले जाता है, अगर किसी का हाथ नहीं पकड़िए तो, मैं तो हाथ पकड़ के ही नहाती हूँ, नहीं तो यहाँ डुबकी लगा और आगे जाके थोड़ा आगे निकल पाते हैं, फिर धारा से ना आगे कर लेता है, पानी का धारा बहुत ज़्यादा तेज होता है गंगा में। देखिए बस अब हमने नहा लिए, अब घर जाएंगे। देखिए यहाँ पे जब बाहर हम निकले तो देखिए यहाँ पे भेल पूरी बिक रहा था, तो हमने थोड़ा ख़रीद के खाई, और एक कचौड़ी जैसा था उसमें सब्जी वगैरह डाल के दे रहे थे। देखिए यहाँ पे शुभम खा रहा है, ये ठेली था यहाँ पे, हम सब बाहर निकलने के बाद देखिए गीला कपड़ा है, देवीसा को भी ऐसी, मैं भी गीला में ही आ गई हूँ, और जाते जाते सूख जाएगा कपड़ा, और ये खाने के बाद फिर घर को आ जाऊंगी, घर पे आके फिर मैं कपड़ा बदलती हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी, और यहाँ से शुभम बिरयानी भी लिया, पैक करवाया, क्योंकि उसको कढ़ी नहीं पसंद है, और घर पे कढ़ी चावल बना था, तो इसलिए। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।